नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं टेक्निक ज्ञान चैनल। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर इसे सब्सक्राइब कर लें और उसके सामने जो बेल आइकन है उसे दबाकर उसे भी ओके कर दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप वो वीडियो देख पाएं जैसा कि आप लिस्ट में देख रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तो आप जानते हैं राकेश और आज ये नया जो है एपिसोड मैंने शुरू किया है, ये किया मैंने सीधी बात करने के लिए। नॉर्मल टास्क से हम यहाँ पर करेंगे, तो चलिए देखते हैं क्या क्या बात हम आज करते हैं। तो मेरे जो काफ़ी दोस्त हैं उन्होंने मुझसे सवाल किए हैं कि टेस्ला कार क्या होती है, इसमें इंजन होता है नहीं होता है, इसमें कौन सा पेट्रोल डलता है डीजल डलता है। मैं उनको समझा के थक गया हूँ, काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं और मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि टेस्ला कार क्या है। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें भी थोड़ा बहुत उसके बारे में बताया था, लेकिन अब तो टाइम आ गया है कि हमारे भारत देश में भी ये आने वाली है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ लैपटॉप जो है मेरा साथ यहाँ पर दे रहा है, इसमें मैंने कुछ लिख रखा है, उसमें देख देख कर मैं आपको भी बताऊंगा और जो मेरे पास है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये है सीधी बात, ओपन टॉक में आपका स्वागत है। ये एपिसोड मैंने शुरू किया है तो देखते हैं। तो ये शुरुआत यहाँ से होती है इसकी, न्यूयॉर्क से, न्यूयॉर्क सिटी जो होती है धरती पर, इसी पर ही धरती पर ही है वो, इसी ग्लोब पर न्यूयॉर्क सिटी जहाँ पे अंग्रेज लोग बसते हैं वहाँ पे चले गए थे प्रधानमंत्री जो हमारे हैं नरेंद्र मोदी जी वो, और वो मिल लिए वहाँ पर जाके। तो इनका क्या नाम है जो टेस्ला बनाते हैं, काफ़ी खरबपति आदमी है, एलोन मस्क नाम है जिनका, एलोन मस्क है, वो ये कार बनाते हैं और जिसके अंदर भैया ना तो इंजन होता है ना कोई और ऐसा सस्पेंस ट्रांसमिशन सिस्टम जो हमारी नॉर्मल कार्स में आता है, ऐसा कुछ नहीं होता है इनमें, और ना इनमें पेट्रोल डलता है ना इनमें डीजल डलता है और ना ही ये किसी गैस से चलती हैं, ये चलती हैं पावर से बिजली से। इसके अंदर होती हैं बैटरीज, चारों तरफ चारों टायरों के पास बैटरीज लगी हुई होती हैं, बाकी ये होती हैं नॉर्मल कार की तरह। इसमें भी चार टायर ही होते हैं, इसमें भी जो विंडोज़ हैं इसकी खिड़कियाँ वो खुलती हैं और जो डोर्स हैं वो भी इसके खुलते हैं और इस हिसाब से नॉर्मल कार की जैसी दिखती है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो इसका डिज़ाइन चेंज है, काफ़ी एडवांस डिज़ाइन इसमें दिया गया है जो आपको पसंद आता है तो इस हिसाब से काफ़ी मतलब एक एडवांस कार हो जाती है यहाँ पर। और मोदी जी जो हैं वो चाहते हैं कि काफ़ी जो है पेट्रोल और डीजल की खपत हमारे इंडिया में हो रही है, तो डीजल की खपत तो इस कार के आने के बाद भी होगी क्योंकि जो ट्रक्स वगैरह चलते हैं वो टेस्ला ट्रक तो हो नहीं सकते। हाँ, भविष्य की बात अलग है, जो भविष्य में आएंगे या नहीं आएंगे वो तो पता नहीं, आ भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है फ्यूचर के अंदर। जो हम 10 साल पहले जो हमने नहीं सोचा था वो आज हमारे पास है और आज जो हम नहीं सोच रहे हैं वो हो सकता है 5 साल बाद हमारे पास हो सकता है। तो जो टेस्ला कार है चलती है बैटरी के ऊपर और इसकी बैटरी को करना पड़ता है चार्ज, और काफ़ी सारी जो न्यूज़ मैंने इंटरनेट के ऊपर देखी है, कोई बोलता है 400 किलोमीटर चलती है एक बार चार्ज करने के बाद, कोई बोलता है 500 किलोमीटर तक चल जाती है, एक ने तो हद ही कर दी, वो बोलता है 1000 किलोमीटर चल जाती है एक बार चार्ज करने के बाद। भैया इतनी ज़्यादा तो ये नहीं चल पाती है, लेकिन जहाँ से ये बनती है उसकी वेबसाइट पर आप जाके देखेंगे तो ये कम से कम, अगर चलाने के ऊपर डिपेंड करता है किस हिसाब से आप चला रहे हैं, क्योंकि ये फुल पावर की कार है तो बैटरी से पावर लेगी, विंडो पावर है, सामने इसके बड़ा सा एक डिस्प्ले लगा हुआ है टच स्क्रीन के साथ और ऑटोमेशन भी है इसके अंदर, ऑटोमेटिक भी चलती है, इस हिसाब से काफ़ी सारी इसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो इतनी ज़्यादा इसमें जो है बैटरी लगा देंगे तो इसमें इतना वजन हो जाएगा कि ये नहीं लेके चल पाएगी उसको। यहाँ पर एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि काफ़ी सारे यूट्यूब पर मैंने वीडियो भी देखी हैं इस कार के बारे में, तो कोई बोलता है ये 2 सेकंड में 100 की स्पीड पकड़ लेती है, कोई बोलता है ये 5 सेकंड में 150 किलोमीटर की स्पीड पर दौड़ती है। 150 किलोमीटर की स्पीड इंडिया में बहुत ही बड़ी बात है, मतलब कहने का यही है 100 तक की स्पीड तो चला लेते हैं लोग, लेकिन 150 कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। और बात रही यहाँ पर 5 सेकंड 7 सेकंड में 150 की स्पीड, तो ये सब बकवास बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर। इसका जो सिस्टम है वो कंपनी जो बता रही है वो ये है कि ये 6 सेकंड में 70 से 80 किलोमीटर तक की रफ्तार पकड़ सकती है, इससे ज़्यादा इसमें नहीं है, 70 से 80 की रफ्तार पकड़ सकती है। इसमें बहुत ज़्यादा पावर है, टेस्ला कॉइल जो होती है उसके सिद्धांत पर काम करती है, जो इसके चारों टायर हैं उन चारों टायर्स में जो है ऐसी मैग्नेटिव और
मोटर लगी हुई है जो उनको एक साथ इतनी स्पीड प्रदान करती है कि वो खूब अच्छी तरह से दौड़ पाए, तो इस हिसाब से काम करती है। और जो हर मोटर की बैटरी होती है उनमें अलग अलग पावर सिस्टम लगे हुए होते हैं, तो इसमें कुछ ऐसा पावर भी सुनने में आ रहा है कि कार जब चल रही है तो कुछ हद तक दूसरी बैटरी जो है वो चार्ज होती है, और जब वो पहले वाली थोड़ी सी डाउन हो जाती है तो वो दूसरी वाली इसमें यूज़ आने लगती है, और जो पहले जो यूज़ आ रही थी वो फिर से दूसरी तरफ से चार्ज होने लगती है। इस हिसाब से जो है थोड़ा बहुत एडजस्ट ये खुद भी कर लेती है, तो थोड़ा बहुत आपको यहाँ से भी पावर मिल सकता है। तो मतलब टोटल पावर हाउस ही इसके अंदर लगा हुआ है। और रही चार्ज करने की बात, तो अमेरिका में जो है अभी कुछ दिन पहले ही चार्जिंग बूथ जगह जगह पर लगा दिए गए हैं ताकि कार चार्जर की व्यवस्था सड़कों पर हो सके, क्योंकि अगर कार चार्जर नहीं मिलेगा तो किसी भी की भी गाड़ी जो है कहीं पर भी आकर बंद हो जाएगी, और उसके बाद जो है वो खड़ा रहेगा या फिर टो करके ले जाना पड़ेगा उसको अपने घर तक, या फिर कोई और जरिया उसको ढूंढना पड़ेगा। तो उसमें जो सिस्टम है उसके साथ उन बूथ्स को कनेक्ट कर दिया गया है, वो किस प्रकार से कनेक्ट कर दिया गया है वो मैं बता देता हूँ। मान लीजिए कार की बैटरी हो गई है डाउन, तो वो तुरंत मैसेज दे देगी इतने मीटर या इतने किलोमीटर के ऊपर चार्जिंग बूथ है, तो आप वहाँ पर रोक लीजिए और इतने किलोमीटर तक वो कुछ ऊर्जा और बचा कर उस कार को वहाँ तक पहुँचा देगी, ट्रांसमिशन बंद कर देगी, लाइट्स बंद कर देगी, डिस्प्ले की लाइट कम कर देगी, और भी हेडलाइट है उनको थोड़ा एडजस्ट कर देगी, जैसा हम मोबाइल में करते हैं अल्ट्रा मोड वगैरह लगा लगा कर, हिसाब से इसमें काफ़ी सारे फीचर्स हैं, बताने लगे तो पूरा दिन निकल जाए, इसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब फीचर्स इसके अंदर हैं। और इसमें लगा हुआ सामने एक बड़ा सा डिस्प्ले, अगर आप चाहते हैं कि आप इसे खुद चलाएं तो आप चला सकते हैं स्टेयरिंग व्हील से, लेकिन आप चाहते हैं कि ये अपने आप ही चलती रहे तो वो अपने आप ही चल जाएगी। उस मैप में उसको एडजस्ट करके छोड़ दो कि कहाँ पर आपको जाना है, उसकी लोकेशन उसे दे दो, वो अपने आप ही चलती रहेगी, और सामने से कार्स आएंगी उनको साइड भी दे देगी और खुद भी साइड ले लेगी अपनी स्पीड पे, अपने अंदाज में अपने आप चलती है। बाहर से काफ़ी पॉल्यूशन आ रहा है तो उसके लिए सॉरी। और मैं क्या बताऊँ आपको, ये लैपटॉप है मेरे पास, इसमें जानकारी तो बहुत है लेकिन बकवास है सब, तो वो मैं आपको नहीं बता सकता, तो जो अच्छी अच्छी बातें हैं वो मैं बता सकता हूँ। और इसकी जो बॉडी है यहाँ पर वो है एलुमिनियम की, जो बढ़िया वाला एलुमिनियम आता है फाइबर करके कुछ उसके साथ है, और साथ में इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी का जो स्टील है वो भी इसमें दिया गया है, और भी बहुत कुछ इसमें है जो काफ़ी करिश्मे वाली गाड़ी है। बड़ी सी टच स्क्रीन इसमें है, और जो टच स्क्रीन है उसमें आप कुछ भी देख सकते हैं, ये तो आपने पहले सोच लिया होगा, उसमें आप मूवीज देख सकते हैं, उसमें लोकेशन देख सकते हैं, अपने चारों टायर इसमें देख सकते हैं कौन सा टायर ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है, सब कुछ जो है उसके अंदर अंडर कंट्रोल कर दिया गया है, कौन सी बैटरी कितनी चार्ज है, बैटरी का बैलेंस देख सकते हैं आप, तो उस हिसाब से जो है वो तो ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेती है कार, लेकिन फिर भी जो है आप उसे देख सकते हैं कार को। और ऐसे ऐसे सेंसर इसमें लगे हुए हैं जिनके कारण ये चलती है और सेंस कर लेती है सामने से कौन सी गाड़ी आ रही है और किधर वो जा रही है, इस हिसाब से जैसे हम देखते हैं कि थोड़ा सा उसको साइड दे दे, उस हिसाब से ये भी जो है साइड दे देती है यहाँ पर। और मोदी जी ने जो है वहाँ पर जो कंपनी है एलोन मस्क की, उनको न्योता दिया है कि वो भारत में आके भी ये कार बनाए, तो इस हिसाब से गाड़ी जो है भारत में भी जल्दी आने वाली है और यहाँ पर इसकी कंपनी भी लगने वाली है, या फिर इम्पोर्ट होगी वो भी नहीं पता है अभी तक, कुछ ना कुछ तो होने वाला है इसमें। और भी काफ़ी सारी जो है इसमें लिथियम आयन जो सेल्फ सिस्टम की आती है वो बैटरी इसमें लगी हुई है, और इसमें जो बैटरी है उनकी साइज जो बताई गई है वो है 7000 के लगभग, इसमें छोटी छोटी बैटरी है जो आपके मोबाइल फोन में बैटरी आती है ना उसी हिसाब की जो है इसमें बैटरीज का अलग अलग बूथ तैयार किया जाता है। और ये जो छोटी बैटरी होती है इनमें बहुत ज़्यादा पावर होती है, इसी पावर को मिलाकर बनता है टेस्ला, सोच लो यही बनता है इसमें, तो काफ़ी सारी लिथियम आयन की बैटरी हैं, तो लिथियम आयन में तो पावर होगी, अगर एक मोबाइल पूरा दिन एक बैटरी से चल सकता है तो एक कार उससे कुछ देर तो चली पाएगी, और अगर वो इतनी सारी बैटरी एक साथ तो कुछ भी हो सकता है इसमें, तो काफ़ी सारा जो है बहुत कुछ हो सकता है। और भी इसमें बहुत कुछ दिया गया है, इसमें पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं। और जो इसमें बोला है कि एक जगह मैंने देखा था कि मोदी जी ने जो टेस्ला के
निर्माता हैं जो आविष्कार जिन्होंने किया है, एलोन मस्क नाम जिनका है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, उनसे मिले हैं। और जो मस्क हैं, एलोन मस्क के, वो लगभग 20,000 जो टेस्ला मॉडल हैं वो हर साल बना देते हैं। इसमें जो है कार में थोड़ा टाइम भी लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी की कार एक साल में लगभग 20,000 मॉडल वो बना लेते हैं और दुनिया भर में उनकी जो खपत होती है, एडवांस ऑर्डर उनके पास रहते हैं कार्स के, और उनसे जो है पूर्ति बहुत ही कम हो पाती है। और तो कुछ नहीं है, तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, ओपन टॉक्स इस एपिसोड जो है ना, अगर आपको पसंद आया तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। और भी जो है ओपन टॉक्स में लेके आऊँगा, ये खुली बातें हैं। और काफ़ी गर्मी है और मेरा पंखा भी जो है बंद है, बंद इसलिए क्या ताकि जो है नॉइस ना आए साउंड के अंदर, और काफ़ी सारी लाइट्स यहाँ पर हैं तो इनसे भी काफ़ी गर्मी हो रही है, और ये लैपटॉप भी जो है गर्मी में गर्म गर्म हवा निकाल रहा है। ये था ओपन टॉक का पहला एपिसोड जो आपने अभी देखा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब तो कर ही लें, जरूर कर लें सब्सक्राइब, क्योंकि अगला जो एपिसोड है वो भी जल्दी आने वाला है, उसमें भी कुछ इंटरेस्टिंग जो है मैं लेके आऊँगा। और लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है या कुछ समझ में आपको नहीं आया, फिर किसी और चीज़ के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो नीचे जो कमेंट बॉक्स है उसमें लिख कर मुझे भेज दें, और अगले एपिसोड में मैं उसका भी बताऊँगा आपको, उसके बारे में बताऊँगा। तो ये थी ओपन टॉक से, और तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।